ये जो प्लान आप लोग देख रहे हैं इसका साइज है 25x37 फीट, और इस प्लान के लिए मुझे कमेंट्स किया है मिस्टर दिलीप वर्मा ने। उन्होंने यूट्यूब पे कमेंट्स किया था कि उनको 25x37 फीट का एक घर का नक्शा चाहिए जो कि तीनों तरफ से पैक है, सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है। तो उन्हीं के कमेंट्स के आधार पर यह मैं तैयार किया हूँ। उम्मीद करता हूँ दिलीप जी को यह प्लान पसंद आएगा और आप लोग भी इस प्लान को ज़रूर पसंद करेंगे। यह जो प्लॉट है यह सिर्फ फ्रंट से ही ओपन है। इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें जो सारी सुविधाएं मौजूद हो जाएं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यह इसका फ्रंट है 25 फीट है, इसका लंबाई है 37 फीट, और यहां पर देखिए नॉर्थ ईस्ट में जो है इसका एंट्रेंस दिया गया है। और वास्तु में देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट में पोर्च अच्छा माना गया है। तो पोर्च का साइज है 10x14 फीट, और इसमें देखिए कार, और इसमें कार पार्किंग भी आपको दिखाया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा टॉयलेट दिया गया है, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दिया गया है कि आप फूल पौधे लगा सकते हैं। यहाँ पे अपना दरवाज़ा लगेगा, और आएंगे हम डाइनिंग में तो यह लिविंग का डाइनिंग है जिसका साइज है 10x11x4 इंच का, मतलब यह जो है 11x4 इंच है और यह है 11x4 इंच। दोस्तों यहाँ पे बेडरूम बनाया गया है 13x10x10 फीट का, और आप चाहें तो इसको लिविंग बना सकते हैं यहाँ पर एक डोर देकर, बट कमेंट्स के अनुसार उनको दो बेडरूम चाहिए था इसलिए लिविंग को डाइनिंग के साथ एडजस्ट किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए स्टेयर केस दिया गया है, और जो है पश्चिम दिशा में, और जो स्टेयर केस बनाया गया उसको वास्तु और सीढ़ी को वास्तु को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीढ़ी का घुमाव हमेशा दाहिने हाथ की तरफ होना चाहिए, इसलिए आप यहां से चढ़ेंगे और यहां से ऊपर आ जाएंगे छत के ऊपर। यह इतना पोर्शन ओटीएस रहेगा टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए। फ्रेंड्स यहां से आगे बढ़ेंगे दोस्त, यह साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम बनाया गया है। तो जो मास्टर बेडरूम का लोकेशन होता है वह साउथ वेस्ट ही उत्तम माना गया है, और इसका साइज है 13x10x10 फीट का, और उसमें भी एक खूबसूरत बेड का लेआउट किया गया है। तो एक लाइक तो बनता ही है, तो आप लोग एक लाइक जरूर करें। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साउथ ईस्ट में किचन दिया गया है, किचन का साइज है 10x7 फीट का, और यह किचन प्लेटफॉर्म है, और यह गैस चूल्हे का लेआउट किया गया है। फ्रेंड्स आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि जो किचन का लेआउट होता है वह ऐसा होना चाहिए कि जब हम भोजन बनाएं तो अपना फेस पूर्व दिशा में हो, इसी के अनुसार गैस चूल्हे का अरेंजमेंट आपको करना चाहिए। यह पोर्शन किचन वाश है, और यहाँ से थोड़ा वेंटिलेशन भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कि डाइनिंग के लिए यहाँ पे आप विंडो लगा देंगे पोर्च से, तो वेंटिलेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। इस बेडरूम के लिए एक विंडो यहाँ से, एक विंडो आप यहाँ से लगा सकते हैं, और यह जो है डक्ट रहेगा तो यहाँ पे एक विंडो आ जाएगा। इस बेडरूम के लिए एक विंडो आप छोटा सा यहाँ लगा सकते हैं, और एक विंडो आप यहाँ लगा सकते हैं। किचन के लिए विंडो यहाँ पर आ जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं है, लेकिन इसमें सारा कुछ एडजस्ट किया गया है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि दिलीप जी को यह प्लान पसंद आया होगा, और आप लोग भी इस प्लान को ज़रूर पसंद करेंगे। यह प्लान आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस प्लान को देखने के लिए और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत